देन स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस फॉलोइंग ए साइकिल ऑफ इवेंट्स। स्ट्रेस है ना जो आपकी साइकिल इवेंट्स को फॉलो करता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स इंक्लूड होते हैं स्ट्रेस साइकिल्स के अंदर, अपन बात भी करेंगे आगे। विच साइकिल अराउंड टू अराउंड, और ये साइकिल चलती रहती है एक दूसरे से अटैच होते हुए। देन ईच स्टेप इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही दूसरी स्टेप आती है वो उससे भी फर्स्ट स्टेप से भी ज़्यादा सीवियरिटी वाली स्टेप होती है, मतलब जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगी लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब एबनॉर्मलिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं साइकिल की। फर्स्ट वन इसके अंदर इंक्लूड होता है स्ट्रेसर्स आया, देन आपकी क्या होती है इसके अंदर रिएक्शन टू स्ट्रेस, रिएक्शन अपीयर हो जाती है स्ट्रेस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एंड वियर एंड टीयर ऑन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स, तो वियर एंड टीयर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। देन रिड्यूस द ऑप्टिमम हेल्थ, रिड्यूस हो जाती है ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ। देन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस, इंक्रीज बढ़ जाती है इसके अंदर सेंसिटिविटी स्ट्रेस लेवल की। अपन एक एक स्टेप्स को आगे एक्सप्लेन किया है अपन ने और अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। देन ये साइकिल ऐसे कैसे रेगुलर चलती रहती है। स्ट्रेसर्स फर्स्ट वन पॉइंट है स्ट्रेसर्स, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक ये कारण है स्ट्रेस लाने का, तो वो कोई सा भी हो सकता है, तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। इट कैन बी एनी स्टिमुलस, कोई सा भी स्टिमुलस हो सकता है दैट कोज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस स्ट्रेस, जो कि एक्सप्रेस करवाता है स्ट्रेस को। ठीक है, ऐसा कोई सा भी स्टिमुलस हो जो आपको स्ट्रेस अपीयर करवाता हो उसे स्ट्रेसर कहते हैं। इट इंक्लूड आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ इवेंट से अपीयर होता है। जैसे कि मैं बात करूँ मर गया कोई तो भी आपको स्ट्रेस अपीयर होगा, ये भी आपका स्ट्रेसर्स है। ठीक है, और आपको कोई छोड़ के जा रहा है डिवोर्स हो रहा है तब भी आपका स्ट्रेस अपीयर होगा, और अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो तब भी आपका हो सकता है आपके साथ स्ट्रेस अपीयर हो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मैंने लाइफ इवेंट इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन पॉइंट की स्ट्रेसर्स को कैसे कम कर सकते हैं अपन, तो वे टू रिड्यूस स्ट्रेस, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट। तो अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो अवॉइड और मैनेजिंग द स्ट्रेस, अपन अवॉइड कर सकते हैं वो स्ट्रेसर्स को और मैनेज कर सकते हैं, तब अपना स्ट्रेस कंट्रोल हो सकता है। देन चूजिंग द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इन लाइफ, और आप सेलेक्ट करो कि आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ को सर्वाइव करो। देन टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करो एंड सिंपल लिविंग करो। सिंपल लिविंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। सेकंड वन पॉइंट रिएक्शन टू स्ट्रेस, तो रिएक्शन टू स्ट्रेस रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस से रिलेटेड है। अब परसेप्शन क्या होता है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है आपको, और वैसे एक आइडिया दूँ तो मैं आपको हेल्यूजन और हेल्यूसिलेशन की बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अननेसेसरी जो थॉट्स आती हैं और उनके कारण वो डरने लग जाता है, स्ट्रेस अपीयर कर लेता है, तो ये चीज़ें इससे भी रिलेटेड है, तो ये रिएक्शन भी अपीयर होती है। तो देन व्हेन ए पर्सन फील स्ट्रेस्ड फ्रॉम स्ट्रेसर्स, जब एक पर्सन है ना स्ट्रेसर्स के कारण स्ट्रेस्ड फील करता है, तो द बॉडी रिलीज केमिकल्स टू कन्फर्म द स्ट्रेसर्स, तो बॉडी क्या करती है केमिकल्स को रिलीज करती है उस स्ट्रेसर्स को, उस कारण को, उस डर के कारण को आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल्स रिलीज करती है। ये मेरे ख्याल से एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको। कुछ हार्मोन्स होते हैं ऐसे जो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से होगा मेरे ख्याल से। वे टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो आस्किंग गुड फॉर हेल्प, आप बातचीत करो, मतलब पूछताछ करो, तब आप इससे आप बच सकते हो। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, आप स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक प्रैक्टिस करो किसी भगवान के ऊपर, जैसे कि अपन बोलते हैं मंत्र वगैरह पढ़ना, ठीक है, और कुछ ध्यान वगैरह लगाना, तो ये चीज़ें करो तो उससे भी आप स्ट्रेस से रिलीफ ले सकते हो। कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी, आप कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी करो, यूज करोगे तब भी आप स्ट्रेस से फ्री हो सकते हो। तो कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको याद हो तो, कि जिसके अंदर अपन फील कर थिंकिंग आती है अपने को, फिर अपन फील करते हैं फिर डूइंग करते हैं। एग्जाम्पल याद हो आपको तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि सामने वाले घर में आग लगी है, आप फिर किसी आपको फील करते हो कि कोई फैमिली भी वहाँ पर रहती है, और फिर आप उसके ऊपर डूइंग करते हो, बचाने जाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, कोई एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम आई तो आप क्या करते हो उसके ऊपर थिंक आती है और आप उसके ऊपर फील करते हो और फिर आप उसके ऊपर डूइंग करते हो, तो आप ऑलरेडी इमेजिनरी उसके ऊपर वर्क कर चुके हो, तो इससे क्या होता है आप स्ट्रेस से बच जाते हो, आपको पता रहता है, आइडिया लग जाता है। थर्ड वन पॉइंट वियर एंड टीयर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन, व्हेन ए पर्सन बिकम स्ट्रेस्ड एंड डज नॉट करेक्ट द स्ट्रेसर्स, जब एक आदमी स्ट्रेस्ड के अंदर होता है
और उसे ये भी नहीं पता कि जो स्ट्रेस्ड कर रहा है, जो स्ट्रेसर्स है वो करेक्ट है कि नहीं है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी वेयर एंड टीयर कर लेती है, मतलब टूट फूट सी जाती है अंदर से, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर डल हो जाती है। ठीक है, ये जब भी स्ट्रेस आता है तब आपके अंदर, इसके अंदर होता क्या है, बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रेस जब भी आता है जब बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाती है, और बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ने के कारण हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जब हार्मोनल चेंजेज आते हैं तो इम्यूनिटी लेवल गिरता है, तो ये होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर है ना, जब इम्यूनिटी लेवल गिर रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन अपनी बॉडी को खुद को पता नहीं होता है कि जो स्ट्रेसर्स हैं, जिसका जो कारण है वो भी सही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आता है। तो इसके अंदर अपन करते क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं, जिससे क्या होगा कि अपने अपना माइंड एक्टिव रहेगा और अपन एबनॉर्मल स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे नहीं और स्ट्रेस अपीयर होगा नहीं। फोर्थ वन स्टेज के अंदर रिड्यूस द ऑप्टिमम हेल्थ। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही रिड्यूस हो जाती है ऑप्टिमम हेल्थ, हेल्थ लेवल गिर जाता है, मतलब कुल मिला के ये है। आफ्टर द सस्टेंड पीरियड ऑफ द क्रोनिक स्ट्रेस द बॉडी वियर डाउन विच कैन इन्वाइट मोर सीरियस डिजीज लाइक हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ETC, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपीयर हो जाती है। देखो इसमें होता ही ऐसा है कि जब ये रेगुलर पीरियड के अंदर ये स्ट्रेस चलता रहता है तो बॉडी अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है, इंटरनली टूट जाती है। तब इसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो बॉडी होती है वो और भी चीज़ों को इन्वाइट कर लेती है, और भी डिजीज़ को इन्वाइट कर लेती है, जैसे कि BP की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, ऐसी प्रॉब्लम्स अपीयर हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो अपन ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करते हैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स से, जो कि अपने को इन एबनॉर्मलिटीज़ से बचाने के लिए बताते हैं। फोर्थ वन पॉइंट तक ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर क्या होता है, फिफ्थ वन पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, द स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल फील एग्जिस्टेड फिजिकली एंड सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज। तो इसके अंदर होता ऐसा है कि जो स्ट्रेस्ड पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो स्ट्रेस्ड होता है वो फिजिकली शो अप होने लग जाता है और बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जिससे आपकी सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कुल मिला के ये है कि आपकी फिजिकली भी शो होने लग जाएगा और आपकी सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो इसका उपचार क्या है, तो ट्राई टू डीप ब्रीदिंग, आप डीप ब्रीदिंग लो, ठीक है, गहरी सांस लो, मेडिटेशन करो, ठीक है, टॉकिंग वॉकिंग करो, मतलब बातें और चलना फिरना और बातें करना ये काम करो, देन टॉकिंग टू एनी ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, कोई से भी एक ऐसे आदमी से बात करो, ऐसे दोस्त से बात करो, मे बी टू हेल्प टू रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस, जो कि आपकी सेंसिटिविटी जो स्ट्रेस होती है उस लेवल को कम कर सके, जो आपका क्लोज हो उससे आप बात करो, ठीक है, इनसे आपका ट्रीटमेंट होगा।